फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मधु, कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। यार मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत खुश भी हूँ। कहीं घूमने जा रहे हैं हम लोग, तो ये आप बने रहिएगा वीडियो में, तो देख पाओगे जो कहाँ जा रहे हैं। अभी नहीं बताते, बताते हैं थोड़ा देर के बाद बताते हैं। और जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर मेरा ये थर्ड ट्रिप होगा शायद, आस पास में ही जा रहे थे। तो बने रहिए, बहुत अच्छा जगह, बहुत मेरा मज़ा आता है। और अभी सुबह हम लोग को इससे पहले निकलना था, लेकिन थोड़ा सा सो के उठने में लेट हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो रहा है। अभी सुबह के 5:30 बज रहा है, तो बने रहिए। और खुशी हो चुकी है रेडी, और मैं नहाई नहीं हूँ अभी, सर धो ली हूँ, वहीं पे नहाएंगे, क्योंकि सर धोने से थोड़ा फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है इसलिए। और अभी जो है हम लोग थोड़ा सा ग्रीन टी और थोड़ा गुनगुना पानी पी लेंगे, फिर निकल जाएंगे ड्रेस चेंज करके। अभी ड्रेस भी मेरा भींगाई है। तो फ्रेंड्स रेडी हो चुके हैं, निकलते हैं। तो निकलते हैं, लॉक लग गई है। और फ्रेंड्स हमारे टीम में हम ही तीन नहीं है, और लोग हैं, तो बने रहिए। और मेरा तो खुशी के पागल हूँ, मुझे लग ही नहीं रहा जो मेरा ही तबीयत ख़राब है। क्यों आऊँ? अभी हम लोग विधान नगर पहुंच चुके हैं। कहां जा रहे हो? पूरा सस्पेंस है, पूरा का पूरा सस्पेंस है। यहीं से सब्जी वाला सब सब्जी ले जाता ना। सफर शुरू हो गया, और इस सफर के हम सफर हैं, मेरी वाइफ मधुजा, माय डॉटर खुशी जा, और दो और फ्रेंड जिनको हम लोग रिसीव करते हुए आगे बढ़े। फ्रेंड है और एक उनकी सिस्टर, एक फ्रेंड की सिस्टर। ये आवाज बंद कर दो। तो चलते हैं नई सफर पर, और इस सफर के हम राही हैं, हम सफर हैं सूरज और सोनी। देखिए क्या होता है, बहुत ही रोमांटिक सफर होगा। हो गया ना? कितना लगे? पूरा पूरा के पूरा पूरा फुल वीडियो के मुझसे रिकॉर्ड कराओगी? आपको बोलने के लिए बोलता हूँ ना। जाम बजा आगे है। तो अभी हम जो है श्याम बाजार पहुंच चुके हैं, और श्याम बाजार से जाने वाले हैं डनलप। डनलप में हमारे सफर के हम सफर वेट कर रहे हैं, उनको लेंगे अपने साथ साथ और निकल जाएंगे एक नई खोज में, एक नई सफर में। और हम लोग को खुद नहीं पता है, नहीं मजाक करिए, हम लोग को पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं, आप लोग को नहीं बताई हूँ कहाँ जा रहे हैं। अगर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोग को भी पता होगा, क्योंकि रास्ते से मालूम चल जाएगा आपको जो हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और हिंट्स तो मैंने दे ही दिया है आप लोग को, जो हम लोग तो 3 बार जा चुके हैं वहाँ पर, इससे ज्यादा नहीं बताऊंगी मैं। आपको और ये है हम लोग के टाला बीच, सफर का
न्यू रास्ता टाला ब्रिज। टाला ब्रिज पहले भी था लेकिन बीच में बंद हो चुका था, अभी दो तीन साल कोरोना से पहले ही बंद हुआ था, उसके बाद ये ओपन हो चुकी है, जो कि हम लोग के लिए बहुत खुश नसीब हो चुके हैं ये टाला ब्रिज खुलने से, नहीं तो बहुत घूमना पड़ता और दो तीन साल के बाद खुला है, ये लग ही नहीं रहा था जो ये खुलेगा अभी कभी। बहुत अच्छा कर दिया था जो देखो पूरा। और कोलकाता का ये एक और चीज बहुत अच्छा लगता है, सड़क का जो है ना चौड़ाई बहुत है, बहुत चौड़ी रोड होती है और अच्छा लगता है, ट्रैफिक बहुत लगता है सिर्फ। और फ्रेंड्स हम लोग डल्ला पहुंच गए हैं, अब यहाँ पर ही हमारा जो फ्रेंड है, थोड़ा आगे जाएंगे तो मिल जाएंगे। और ये हमारा पुराना एरिया है, जानू का पुराना एरिया है, हमारा नहीं, यहाँ पर ही जानू रहते थे। यहाँ पर रिलायंस डिजिटल खुला है और डल्ला बहुत क्राउडी एरिया है, जो कि मुझे अच्छा लगता था बट उतना नहीं। जानो आपका पुराना एरिया आया है, प्रणाम कर लो। ड्राइविंग करेंगे, प्रणाम करेंगे ड्राइविंग नहीं। जानू का यही है पुराना अड्डा, जहाँ पर अड्डा मारते थे। यहाँ पर अब हम वेट कर रहे हैं किसका? यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं हम अपने सफर के दो हमराही का, एक है सूरज और एक है सोनी, दोनों ऐसे हैं। आइए अब उनके साथ में मिलते हैं। फिर आगे पर आ गई है मेरी बेटी, आ गए हमारे हम सफर के लेट महाराज आ गए हमारे सफर के हम सफर। आप बोल दो। लेट महाराज आ गए। हाँ, यही है हमारे सफर के हम सफर। चलिए बैठिए, लेट हो रहा। और सूरज के लिए एक बिल्कुल जगह नहीं, हम लोग छोड़े हैं, सारा सामान रख लिए हैं। सूरज थोड़ा पंडित टाइप का लग रहा है, रुद्राक्ष, ऊपर से मोती का माला, जितना कुछ था सब घर में डाल लिया। हम लोग का यहाँ से न्यू सफर शुरू हो गया, न्यू सफर नहीं हो, सफर तो वही है। तेरा भाई यहाँ से अब कुछ बोलिए, बोल सकते हैं? कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं होता है। हाँ। जैसे जल्दबाजी में पेड़ बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा जल्दबाजी में किसी पेड़ में फल नहीं लगते, जल्दबाजी में फूल नहीं होता। वीडियो पॉज करो, माइक नहीं लगाए अभी तक, एडिट कर देंगे ठीक है। बार बार यहाँ पर सोनी अपना हेयर को सराते हो, ठीक करते हो, सराते हुए अरे मेरा लैंग्वेज भाई साहब इतना खिचड़ी हो चुका है ना, टपोरी टपोरी भी नहीं बोल सकते, टपोरी बोलने दो, बंगाली के साथ बोलते हैं दो, हिंदी बोलते हैं उसमें क्या होता है, बंगाली में क्या बोलते, सरियाना बोलते, सरियाते मतलब सोराच्छे ओटा ही बोलते चाहिए, सोराच्छे ओटा हो गलो सोरच्छे। ऐसा नहीं है, पता नहीं कुछ जीपे बोले थे उस टाइम, बोले थे जीपे काम नहीं कर रहा था। ये रोड का जो व्यू है ना भाई साहब बहुत अच्छा है, और इसका सीन नहीं लिए ना, पूरा मैं पूरा सीन लेके जाऊंगी इसका, और फिर स्पीड कर दूंगी, मस्त लगता है। हाँ मैं सबसे वीडियो छीनूंगी जिसका जो अच्छा बना रहेगा। अच्छा अभी हम लोग बाली ब्रिज पे आ चुके हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं कितना बड़ा, चलो ये क्या है ना, समुद्र, गंगा ये
माता जी इसके पीछे तो रखा है, लूट मार रही है। तो पीछे में एक वो गाड़ी का कागज दे दो, तो तुम्हें तो माई बहन ऐप में देखो मालूम चल जाएगा ना किसका नंबर गाड़ी है। आई थिंक मुकेश जी का नंबर कोई डबल गाड़ी नहीं हो सकता। ये कौन तो इसमें झोला में क्या सब रखा है? वही वही वही, देखो भाई इसमें गाड़ी नंबर दिया हुआ है। वाओ ऐसी बोल रही हूं, कोई एक्साइटेड मत होना। तो फ्रेंड्स, जो अभी हम लोग बहुत नजदीक जाने वाले हैं, और ये जो टोल टैक्स है धूलाघड़ी टोल रोड है, यहाँ से हम लोग फिर निकलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ गए गोलाघाट। 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर वहां से निकलेंगे आगे तेरे बगीचे। कितना टोल रोड हम लोग ये कर ले? दो टोल रोड हम लोग का, राजचंद्रपुर और धूलाघाट। जो सूरज बोलेगा वही होगा। जो अभी, अभी नेक्स्ट टोल आएगा हल्दिया, यानी कि ओरिजिनल नाम सोना पेटिया। हाँ सुन लीजिए, जो ये बोलेगा उसी पर बिलीव करिएगा। मेरे पर मत बिलीव करिएगा। जानू कहाँ गया? जानू को हो गया, जानू जान के पास गए। जानू को हो गया, मिल गया जानू को हो गया तो मिल गया जानू को हो गया था मालूम। जाओगी ओ दुआ गोवा को करना पीना। अच्छा दिया, ये आपका सोना पेटिया टोल टैक्स है, और ये हमारे सफर का आखिरी टोल टैक्स है। इसके बाद से डायरेक्टली हम लोग दीघा की तरह निकल जाएंगे, आगे और कोई टोल नहीं मिलेगा। दीघा बोले ही नहीं थे अभी तक। ठीक है, आप उस दीघा की बातों को म्यूट कीजिएगा। फ्रेंड्स, हल्दिया के बाद फिर एक टोल गेट आता है, जो कि अभी तक वो चालू नहीं हुआ है। तो देख सकते हो ये वो वाला है। और फ्रेंड्स, ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हो कितना सुंदर लग रहा है ना, जबकि ये वीडियो में इतना खूबसूरत लग रहा है, सोचो जो रियली में कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे लग रहा है कि हम लोग ये आउट ऑफ इंडिया है। बहुत खूबसूरत लग रहा था, और इसीलिए मुझे ये वाला ट्रिप भी बहुत अच्छा लगा। इस रास्ता को लेके बहुत सुंदर, पूरा एकदम क्लाउडी एकदम अच्छा लग रहा था। और हम लोग गाना भी चला के रखे थे, इसलिए हम लोग वॉइस ओवर भी कर रहे हैं यहाँ पर।
मोटा पाइप रहने से अच्छा है। ये देखिए और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो जो हम लोग ये पिए कोकोनट वाटर, कितना बड़ा कोकोनट था पता है, प्राइस कितना था उसका 40 रुपीज ओनली, जो कि हम लोग बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं किए थे, तब जाके इतना ही कम प्राइस में मिला। ओवरटेक किया है नहीं गलती से बोल दे वाले दीघा नहीं के जाते दीघा। और ये हम लोग एंट्री करने वाले हैं दीघा में, और हम लोग सामने देख रहे हैं हम लोग दीघा का ये एंट्री गेट है, दीघा का एंट्री गेट है। थोड़ा सा रास्ता थोड़ा सा खराब है, बट लंबे संघर्ष के बाद फाइनली हम लोग दीघा फाइनली हम लोग पहुँच गए, पहुँचने ही वाले हैं। और बस 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है बस। ये जो आपका दीघा का गेट है ना, इससे 3 किलोमीटर अंदर दीघा है, हमारा होटल भी इससे बंगला का गेट है ये, ठीक है। और इस तरह से हम गेट के अंदर पहुंच ही गए। पिछले बार हम लोग इस वाले में रुके थे, वो वाला पिछला बार। फ्रेंड्स हम लोग अपने स्थान पे पहुंच चुके हैं जो कि है दीघा। दीघा है क्योंकि हमारे यहाँ से सामने पड़ता है, और बहुत कम टाइम में हम लोग का प्लानिंग हुआ। तो आप लोग बने रहिए, और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो मिलेगा आपका, होटल टूर दे दूँगी कैसा है। और तो बने रहिएगा, कैसा लगा कॉमेंट में बताइएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, घूमते फिरते रहिए, और इंजॉय करिए लाइफ को, छुट्टी इंजॉय करिए। बाय बाय।